नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। बेमौसमी बरसात ने किसानों की 6 महीने की खून पसीने की कमाई उसी के खेतों में बिछा दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, करनाल के हम एक गांव में मौजूद है और देख सकते हैं जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिन से बरसात हुई, उस कारण भी जो है पहले भी काफ़ी जो है किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था, लेकिन कल रात से जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण कहीं ना कहीं इस समय तस्वीरें देख सकते हैं जो किसानों की गेहूं की फसल है वो इस समय खेतों में बिछ गई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए तो किसान इस फसल को जो है अपने बच्चों की तरह पालता है, लेकिन अब जिस तरह से किसान की गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है जिससे किसान काफी चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ बने हुए हैं। ताऊ जी राम राम। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, बरसात आई थी सब पानी में बह गया आपकी तो फसल? सारी फसल तबाह हो गई। हम तो इसी आश्रित हैं, जो कुछ ये है और तो कोई हमारे पास रोजगार है नहीं, सिर्फ यही कुछ है, यही जो है ना इसे मौसम की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई पड़ी है। कितना नुकसान मानते हैं ताऊ जी, क्योंकि फसल पर ही किसान निर्भर है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आधी परसेंट आधी तो खराब ही खराब, आधी फसल तो और ज्यादा क्या कहें भी है ही नहीं कुछ भी। जब आधी होगी तो वो उसका खर्चा भी पूरा नहीं, अंदर बचेगा तो क्या इसमें से, इसमें कुछ भी बचने वाला नहीं है, बर्बादी के कगार पर खड़े किसान मौसमी मार से। क्या कुछ कहना चाहेंगे ताऊ जी, इस बारी काफी अच्छी गेहूं की फसल की उम्मीद थी, लेकिन अब जो बरसात हुई है, रात से भी बरसात हो रही है, तो कितना नुकसान मानते हैं और कितनी जो है किसान मेहनत लगती है फसल तैयार करने की? मेहनत तो बहुत ज्यादा है, उसका तो आधा भी जो है ना वो हिसाब नहीं पूरा हो सकता, उसमें इतनी फसल गिर गई है, इसमें आधा नुकसान तो बिल्कुल ही है तो ज्यादा पूरा आधा तो नहीं है। चलो मेहनत करके खड़ी पड़ी काट पटा करके उसमें कुछ गुजारा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या कुछ मांग करते हैं ताऊ जी सरकार से, क्योंकि फसल पर ही निर्भर होता है, कई तरह के खर्च उठाने होते हैं, चाहे बेटी का ब्याह हो, पढ़ाई हो। सरकार देगी तो ठीक है, मुआवजा मुआवजा भी मिल जाएगा, अच्छी बात है। फसल तो बर्बाद हो गई और तो कोई काम है नहीं हमारे पास, यही कुछ है हमारे पास, सरकार से यही अपील है कि भी वो भी फसल का हमें मुआवजा दे दे। कितने समय से ताऊ जी आप खेती कर रहे हैं, कभी देखा आपने? क्योंकि बेमौसमी बरसात हुई है जिस कारण जो है काफी नुकसान हो गया। हाँ जी, बहुत नुकसान है जी, कई सालों से कर रहे हैं खेती बाड़ी, जब भी बरसात का होता है तो नुकसान होता ही होता है, बेमौसमी बरसात का उससे नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ होना नहीं। कुछ और है हमारे साथ जो बने हुए हैं किसान, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया, काफी नुकसान हुआ है बरसात के कारण? जी नुकसान तो जी देखो जी, 6 महीने का फसल है, किसान दिन रात मेहनत करता है, पानी देते हैं, देने के बाद भी आधे उध फसल खराब हो गई जी। सरकार से हमें यही जो मांग करते हैं, जो किसान को थोड़ा मुआवजा मिल जाए तो किसान थोड़ा इसमें बच जाएंगे, और बाकी तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं जी, कुछ मुआवजा दे। तो ये थे किसान और मजदूर, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि क्योंकि 6 महीने लगते हैं किसान अपनी फसल जो है बच्चों की तरह तैयार करता है, लेकिन इस बार जो है बेमौसमी बरसात हुई है, उस कारण जो है कहीं ना कहीं किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, जो ये खेत है यहाँ पर किस तरह से जो है किसानों की मेहनत जो है इस समय उसी के खेतों में मिट्टी में बिछ गई है, जिससे किसान चिंतित जरूर नजर आ रहा है, किसान मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दे। हालांकि सरकार की तरफ से एक पोर्टल है जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, वो जो है कहा गया है कि किसान उसमें जो है अपना ब्यौरा दर्ज करा सकता है कि कितनी किसान की फसल को नुकसान हुआ। हालांकि सरकार का कहना है कि किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है किसान चिंतित जरूर नजर आ रहा है, और किसानों का यही कहना है कि अब सिर्फ जो है उन्हें मुआवजे का इंतजार है, क्योंकि अब 2 से 3 दिनों में जो है मंडी में किसानों की फसल जो है कटाई के बाद पहुंचनी थी, लेकिन अब जिस तरह से बरसात ने किसानों की फसल को जो है काफी क्षति पहुंचाई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर किसानों के लिए बनी हुई है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।